हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक विधि ट्यूटोरियल में। आज हम आपको इस चैनल में और इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट डॉस होता क्या है, डॉस में कैसे कमांड अप्लाई की जाती हैं, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्टली हम डॉस के बारे में समझ लेते हैं थ्योरिकल मेथड में। सिंपल इसमें बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसमें बताया गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नेम होता है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा यूएसए में बनाया गया। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट बनाए गए हैं वो विंडो 10 एंड विंडो 11, बट इससे पहले विंडो 95, 98, इस टाइम में डॉस का इस्तेमाल किया जाता था। ये चीज़ भी बताई गई है। बताया गया डॉस इज ए सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक समय में एक ही काम कर सकते हैं और एक ही पर्सन काम कर सकता है। इसमें जो भी यूजर कमांड टाइप करता है वही बार यहाँ पे होता है। बताया गया है कि डॉस की जो कमांड्स होती हैं वो टू टाइप में क्लासिफाइड हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इसमें बताया भी गया है कि डॉस आर कमांड क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड जो होती हैं वो आपके पीसी में मेमोरी में ऑटोमेटिक ही लोडेड हो जाती हैं, जो कि बूटिंग जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं उस टाइम इंटरनल कमांड काम करती हैं। एक्सटर्नल कमांड जो होती हैं वो आपके फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में अवेलेबल होती हैं, वहाँ से लोडेड होती हैं, जो भी आपको नीड होती है वही कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ये इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड के बारे में है। इसके अंतर्गत इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत कौन सी कमांड्स आती हैं वो हम जानते हैं। अब फर्स्ट जो है वो इंटरनल कमांड, जिसमें डेट है, टाइम है, सेलेस कॉपी कॉन टाइप डी आई आर आर ई एन, ये सारी कमांड आपको सीखने को मिलेंगी। एंड एक्सटर्नल कमांड में ट्री है, एट्रीव है, बैच है, चेक आई पी एड्रेस है, चेक मैक एड्रेस है और शट डाउन, ये सारी कमांड्स हम विद प्रैक्टिकल में करना चाहेंगे। सिंपल हम डेस्कटॉप इंटरफेस पे आ गए हैं और इसमें बताएंगे कि डॉस को कैसे ओपन करते हैं। सिंपल आपको विंडो आर और विंडो आर यहाँ पे आपको लिखना है सी एम डी विंडो आर करके रन कमांड में और अगेन इंटर। जैसे हमने विंडो आर किया और वहाँ पे टाइप किया सी एम डी, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि डॉस है। ये फुल स्क्रीन में भी आता है और हाफ स्क्रीन में भी आता है। सिंपल आपको इसमें जानना है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन शो हो रहा है और इसमें बताया गया सी ड्राइव, यूजर और एसर, ये आपकी लोकेशन है जो कि सी ड्राइव में स्टोर है। ये लोकेशन को कैसे चेक करेंगे, जैसे लाइक आपने कोई भी काम किया है तो जो भी आपका वर्क है वो सी ड्राइव, यूजर और एसर में जाएगा। कैसे चेक करेंगे, इसके लिए विंडो ई से आप सिंपल ड्राइव में जा सकते हैं और इसमें बताया गया सी ड्राइव, जैसे लाइक हमने यहाँ पे सी ड्राइव ओपन कर लिया है। सी ड्राइव के बाद आपको यूजर में जाना है और यहाँ पे एसर, इस जगह पे आप डॉस की कमांड में हैं कि अगर जो भी वर्क करेंगे वो सी ड्राइव, यूजर और एसर में शो होगा। जो आपके पीसी में डेस्कटॉप की लोकेशन दिखा रही है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम डॉस में आते हैं। इसमें काम कैसे करेंगे, कोई भी काम करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। फर्स्टली जैसे लाइक हमने एक कमांड टाइप की है टाइम और एंटर किया है, तो आप देखिए करंट टाइम का जो है वो टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप इस टाइप से टाइम देख सकते हैं। अगेन आपको एंटर करना है और इसमें हमने टाइप किया है डेट, अब आप देख सकते हैं कि इसमें डेट भी शो हो गई है, मतलब टाइम और डेट ये दोनों कमांड है। ठीक है, इसके बाद सिंपल आता है, ये तो डेट एंड टाइम ला सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको फाइल क्रिएट करनी होती है, जैसे लाइक आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल, पावर पॉइंट की, जो भी आप फाइल बनाना चाहते हैं वो कमांड के माध्यम से बना सकते हैं। फर्स्टली जैसे लाइक फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन, ये आपको कमांड देनी है। अब इसके बाद जो भी फाइल का नेम देना है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है फाइल बन, कोई भी नेम दे सकते हैं, डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी दिया है एक्सटेंशन नेम, किस फॉर्मेट में आपको फाइल चाहिए, लाइक नोटपैड में, वर्डपैड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, वो आपको एक्सटेंशन नेम देना है और एंटर करना है। अब आप इस फाइल में लिख भी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया है
डॉस ट्यूटोरियल। और इंटर करके अगर इसे सेव करना चाहें तो कंट्रोल जेड से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख क्या रहा है, वन फाइल इज कॉपीड, मतलब एक फाइल आपकी बन गई है। इसे देखेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको सिंपल अपनी ड्राइव में जाना है विंडो ई करके, और हम आपको बताना चाहेंगे। मैं कर दिया, इसमें सिंपल आप लोकेशन देख लीजिए, सी ड्राइव, यूजर और एसर। आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी एक लोकेशन शो होती है, जैसे लाइक सी ड्राइव, यहाँ पे यूजर, यहाँ पे एसर और इंटर। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल बन नाम की एक शो हो जाएगी। अब इस लोकेशन में देखिए फाइल बन डॉट टीएक्सटी, ये यहाँ पे शो हो रही है। अगर इसे ओपन करना चाहें तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जैसे लाइक एडिट पे क्लिक कर दिया ओपन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड की फाइल आ गई है, डोस ट्यूटोरियल। इस टाइप से और भी टाइप की फाइल्स आप बना सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हर बार में फाइल चेक करने के लिए सी ड्राइव, यूजर और एसर में ना जाना पड़े, कि हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ही फाइल अपनी देख सकें। इसके लिए सिंपल आपको डॉस में आना है, और डेस्कटॉप पे लाने के लिए सी डी, सी डी चेन डायरेक्टरी और सी डी डेस्कटॉप, इंटर करेंगे। अब जो आपका पाथ है, लोकेशन है, वो अब डेस्कटॉप पे है। अब कोई भी फाइल, जैसे लाइक हमने यहाँ पे कॉपी कॉन, और फाइल का नेम, जैसे लाइक यहाँ पे हमने दे दिया है फाइल टू डॉट पीपीटी पावर पॉइंट, हमने यहाँ पे नेम दे दिया है क्रिएट फाइल या क्रिएट स्लाइड, और कंट्रोल जेड सेव करने के लिए, अगेन इंटर। अब आप बैक आइए, तो आप देखिए डेस्कटॉप में पावर पॉइंट की भी फाइल क्रिएट हो गई, जिसमें फाइल टू डॉट पीपीटी, इसे अगर ओपन करना चाहें तो ओपन भी हो जाएगी, देख सकते हैं। सिंपल हमने वहां पे लिखा था क्रिएट स्लाइड, तो आप पावर पॉइंट की भी फाइल बना सकते हैं, इस टाइप से आप फाइल बना सकते हैं। इसके बाद सिंपल बताया गया है कि एक कमांड जो आती है वो टाइप, टाइप कमांड का मतलब होता है कि आपने जो फाइल में लिख रखा है अगर उसे आप दोबारा चेक करना चाहें तो टाइप कमांड की मदद से कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने टाइप दिया है और फाइल हमने डेस्कटॉप पे है फाइल टू डॉट पीपीटी, इसमें हम देखना चाहेंगे क्या लिखा है, इंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं लिखा है क्रिएट स्लाइड, ऊपर शो भी हो रहा है, बट टाइप से आप किसी भी फाइल में क्या लिखा है, क्या कंटेंट है, वो आप यहाँ पे डॉस कमांड में देख सकते हैं। इसके बाद जो कमांड है वो आपके डी आई आर का मतलब होता है डायरेक्टरी चेक करना, मतलब आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप में या सी ड्राइव में कितनी फाइल बनी हुई है। जैसे लाइक हमने डी आई आर इंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स बनी हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं आप, जैसे लाइक इसमें वीडियो नाम से है, यहाँ पे रोशन दीक्षित नाम से फाइल डेस्कटॉप पे शो हो रही है। तो जो भी आपके डेस्कटॉप में या सी ड्राइव में जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप टाइप कमांड यूज कर सकते हैं, सॉरी डी आई आर कमांड आप टाइप कर सकते हैं, और इसका यूज भी कर सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप में कितनी फाइल्स शो हो रही हैं। इसके बाद एडिट कमांड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे दिया है एडिट, और किस फाइल को एडिट करना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे दिया है फाइल टू डॉट पीपीटी, ये फाइल हमने बना रखी है, और इंटर करेंगे, बता रहे हैं एडिट कमांड इज नॉट, ठीक है। एडिट कमांड में क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई भी फाइल बनाई है और उसमें आप सिंपल एडिट लिखेंगे, एडिट, और उसमें फाइल का नेम जैसे डॉट डॉट टीएक्सटी या जो भी आपका फाइल टू, उसे एंटर करके एक सेकेंड विंडो ओपन हो जाएगी, वहां से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इशू है, इस डॉस में अपडेटेड वर्जन नहीं है, तो इसीलिए एडिट कमांड इसमें शो नहीं हो रही। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड सीखेंगे, रिनेम करना। जैसे लाइक हम चाहते हैं कि आपकी जो फाइल आपने बना रखी है डेस्कटॉप पे, जिसे समझने के लिए डॉस डॉट टीएक्सटी और फाइल टू, हम चाहते हैं फाइल टू का नेम हमें चेंज करना है, तो इसके लिए आरईएन, आरईएन दिया, आरईएन मतलब रिनेम, और फाइल फर्स्ट फाइल का नेम, जैसे लाइक हमने यहाँ पे दिया है फर्स्ट फाइल का नेम है फाइल टू डॉट पीपीटी। इस फिर देखिए अब जो भी फाइल का नेम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है संदीप डॉट पीपीटी,
या समझने की वजह से संदीप.ppt और एंटर। अब आप देख सकते हैं कि जो फाइल जो है अब वो चेंज होके संदीप नाम से हो गई होगी। ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है, ये देख सकते हैं संदीप.ppt। अगर कोई और नेम देना चाहें तो आप सिंपल रिनेम कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल हम डॉस में आते हैं, और इसके बाद DEL, मतलब अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और फर्स्ट इससे पहले हम सीखेंगे कॉपी कैसे करते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे दिया है कॉपी, और फाइल का नेम हमने यहाँ पे दे रखा है संदीप.ppt, और हम कॉपी करके इसमें रखना चाहेंगे abhishek.ppt, मतलब उस फाइल का जो नेम है वो कॉपी होके और संदीप वाली जो फाइल में जो लिखा है वो अभिषेक में कन्वर्ट हो जाए। इंटर करेंगे तो ये कॉपी हो गया, लिख के भी आ रहा बन फाइल इज कॉपी। देखते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आ रही संदीप, बट ऊपर देखिए अभिषेक, यहाँ पे अभिषेक डॉट, मतलब जो संदीप में लिखा होगा वही इसी में भी लिखा होगा। तो इस टाइप से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें आप मूव भी कर सकते हैं, मतलब एक जो फाइल बना रखी है संदीप और अभिषेक नाम से, हम चाहते हैं संदीप वाली जो फाइल है वो रिमूव होके अभिषेक में आ जाए, या कोई और नेम देना चाहे तो उसमें हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिया है मूव, यहाँ पे मूव कमांड मूव दिया है, और यहाँ पे फर्स्ट फाइल का नेम है संदीप, और इसे मूव होके किस में आना है संदीप.ppt, और यहाँ पे हम चेंज करना चाहेंगे राजन.ppt में मूव हो जाए, और इंटर करेंगे। इसमें लिखा है बन फाइल इज मूव, देखना है डेस्कटॉप पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राजन.ppt नाम से आ रहा है, क्योंकि वो जो फाइल आपकी थी संदीप नाम से वो कन्वर्ट हो गई, मूव होके आ गई है। तो इस टाइप से मूव कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव के बाद आता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में फोल्डर कैसे बनाते हैं। जैसे लाइक इसे हम सारा ही ब्लैक करना चाहते हैं, मतलब इसे बैक कर देना चाहते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS, और जो आपकी पूरी कमांड है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगी, और इसमें आप फिर से आप काम कर सकते हैं। हमें फोल्डर बनाने हैं तो फोल्डर बनाने के लिए MD, अभी आप देखिए डेस्कटॉप पे ही है, और MD मतलब मेक डायरेक्टरी, फोल्डर का कोई भी नेम, जैसे लाइक हमने यहाँ पे फोल्डर का नेम दिया है राज, इंटर किया, और फोल्डर में आपको एक नेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो डायरेक्ट ही नेम को एक्सेप्ट करता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राज नाम की एक फाइल शो हो रही है, ऊपर देखिए देख सकते हैं राज नाम का एक फोल्डर बन गया है। तो इस टाइप से जैसे लाइक MD, और यहाँ पे हमने फोल्डर का नेम दिया है ADCA, और इंटर किया, इंटर से ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं ADCA का। तो इस टाइप से आप फोल्डर्स बना सकते हैं। अगर आपको एक साथ कई सारे फोल्डर बनाने हैं तो MD, जैसे लाइक हमें ए नाम का बनाना है, इसका बी का भी बनाना है, तो स्पेस दीजिए, जो भी नेम आप स्पेस में देंगे वो उतने फोल्डर बन जाएंगे, जैसे इतने बनाना चाहेंगे। इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए कई सारे ABC नाम से फोल्डर क्रिएट हो गए। तो आप ये भी कर सकते हैं। इन फोल्डर्स को डिलीट करना है तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए जो कमांड होती है वो RD, RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। जैसे हमने यहाँ पे दिया है AB, मतलब जो नेम से आपने फोल्डर बनाए हैं वही सिंपल आप, और इंटर करेंगे और देख सकते हैं वो फोल्डर्स रिमूव हो गए, क्योंकि यहाँ से रिमूव कर सकते हैं RD। और किसी फाइल को डिलीट करना है, जैसे लाइक यहाँ पे राजन और अभिषेक नाम से हैं, तो आप सिंपल इसे डिलीट करने के लिए DEL, कोई भी फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट DEL देते हैं, और फोल्डर को डिलीट करना है तो RD रिमूव डायरेक्टरी, DEL और स्पेस दिया है। सिंपल आपको जो फाइल डिलीट करनी है वो राजन.ppt, इंटर किया, ये फाइल भी डिलीट हो गई होगी, यहाँ पे ये सो रही है, देखिए वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक हट गई है। फिर से इसके बाद हम DEL देंगे और abhishek.ppt, इंटर, और यहां से देखिए अभिषेक नाम से भी फाइल डिलीट हो गई। इसके बाद
इसके बाद अगर आप यहाँ पे सी ड्राइव डेस्कटॉप पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें डी ड्राइव ई ड्राइव में जाना है, तो आप सिंपल जैसे लाइक हमें डी ड्राइव में जाना है तो डी और कॉलन इंटर किया, तो अब आप देखिए कि हम डी ड्राइव में आ गए हैं। तो इस टाइप से बेसिक इंटरनल कमांड अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्सटर्नल कमांड अप्लाई कैसे करते हैं, जो कि एडवांस लेवल में है। ये कमांड आपको आनी भी चाहिए, ये बेसिक है, इसे आप सिंपल सीख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। बट इंटरनल कमांड में जैसे लाइक कलर लगाना, आप अपने डेस्कटॉप को ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, अगर इसे कलर करना है टेम्परेरी या परमानेंट वो भी हम बताते हैं। तो जैसे कलर अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको कमांड जो टाइप करनी है वो हेल्प कलर, एंटर किया। जैसे हमने हेल्प कलर एंटर किया है, तो यहाँ पे कुछ आपकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी जिसमें कलर के बारे में बताया गया है। एक बैकग्राउंड का कलर है और एक टेक्स्ट का कलर है। जैसे लाइक इसमें बताया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपको कलर अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो आ गया, जैसे कलर ब्लैक के लिए 0 है, ब्लू के लिए 1 है, ग्रीन के लिए 2 है, ये आपको सिंबल डालने हैं। और इधर अल्फाबेट आप डाल सकते हैं, जैसे कंटिन्यू करके एंटर किया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, कलर एफ सी, एफ सी देखिए जो भी यहाँ पे एफ और सी ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो आप यहाँ पे दीजिए कलर, और हमें क्या चाहिए, जैसे रेड के लिए क्या नंबर है, 4, तो हमने 4 टाइप किया इसे देखे। और सी, सी मतलब रेड, और इंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया। अगर और चेंज करना है तो कलर 4 और ई इंटर किया, तो देखिए इस टाइप में कलर चेंज हो गया। तो इस टाइप से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट ये टेम्परेरी है। अगर आप इसे डॉस को क्लोज कर देते हैं फिर से ओपन करेंगे तो ये परमानेंट नहीं रहेगा। बट अगर आप परमानेंट चाहते हो तो यहाँ पे अल्ट स्पेस या कॉर्नर पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पे जो आप कलर, बैकग्राउंड कलर, स्क्रीन कलर, टेक्स्ट कलर जो भी आप लेंगे वो परमानेंट ही होगा। यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, और ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल मिलते हैं कि स्मॉल में रखना है, लार्ज में, तो यहाँ से आप सेटिंग को कर सकते हैं। बट कलर यहाँ पे परमानेंट होगा। कमांड के माध्यम से जो आपने कलर लिए हैं वो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। इस टाइप से आप कलर भी कर सकते हैं। कलर के बाद आप इसमें ट्री ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ट्री मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फोल्डर के अंदर फोल्डर कई सारे बने होते हैं, तो उन्हें देखना है किस फोल्डर के अंतर्गत कौन से फोल्डर्स बने हैं। तो ट्री हमने एंटर किया, तो अभी यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, देखिए डी ड्राइव बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे जैसे ऑफिस 2010 का है, उसके अंतर्गत कौन कौन से फोल्डर्स बने हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ट्री के माध्यम से किस फोल्डर में कौन से फोल्डर स्टोर है वो सारा वन बाई स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा देता है। इसके बाद ट्री कमांड के बाद जो आता है वो बैच फाइल कैसे बनाते हैं। बैच फाइल, दिस इज इम्पोर्टेड बैच फाइल। बैच फाइल का मतलब होता है एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको ओपन करने हैं तो बैच फाइल के माध्यम से कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो हमें सीखना है। जैसे लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको एक साथ ओपन करने हैं तो आप बैच फाइल के माध्यम से कर सकते हैं। पहले सिंपल हम सी ड्राइव में आते हैं, कॉलन लगा के सी ड्राइव में आ गए और डेस्कटॉप पे हैं। अब आपको सिंपल फाइल बनाने के लिए कमांड तो आपको पता ही है, कॉपी कॉल, या हम इसे बैक करके सीएलएस कर देते हैं, बैक हो गया। अब आप यहाँ पे कॉपी कॉल फाइल का कोई भी नेम, जैसे लाइक फाइल का नेम ही हमने दिया है बैच, बट इम्पॉर्टेड है एक्सटेंशन नेम, तो .bat हमने एक्सटेंशन नेम दिया है। अब bat होता है बैच फाइल क्रिएट करने के लिए। अब आपको जो इसमें लिखना है वो लिखना है सॉफ्टवेयर के नेम। सॉफ्टवेयर के नेम लिखने से पहले आपको लिखना है स्टार्ट, स्टार्ट एमएस पेंट, जो आप रन कमांड में टाइप करते हैं नेम वही आपको मेंशन करना है। एमएस पेंट स्टार्ट नोटपैड स्टार्ट विनवर्ड हाँ।
तो कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नेम दे रखे हैं, बट इसमें ये पावर पॉइंट नहीं ओपन होगा क्योंकि इसमें साइड में स्लैश लग गया है, बट आप नहीं लगाइएगा। और इसे सेव कर देना है कंट्रोल जेड से, इंटर किया, ये फाइल बन गई बैच फाइल। अब आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए और आप अपने डेस्कटॉप पे फाइल को देखिए तो ये फाइल का लोगो काफ़ी एक्सचेंज है, इसमें सेटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। अभी आप देखिए करंट टाइम पे आपके सामने क्या शो हो रहा है, फाइल शो हो रही है पावर पॉइंट 21 इंच क्वार्टर और ये डॉस, बट हमें यहाँ पे नोटपैड को क्लोज कर देना है। अब ये इस कमांड, जैसे इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे, कैसे, इंटर किया, देखिए सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही ओपन होने लगे, जैसे पेंट है, एमएस वर्ड है, इसके बाद एक्सेल है, ये सारे ओपन हो जाएंगे वन बाय वन, एक्सेल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे नीचे टास्क बार पे सॉफ्टवेयर ओपन होंगे जिन सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस आपने डॉस में दे रखी है। तो इस टाइप से आप बैच फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बैच फाइल के बाद अगर किसी फाइल को हिडन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्ट्रिप कमांड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे दिया है एट्रिप प्लस एच मतलब हिडन करना, प्लस एच से हिडन होता है, माइनस एच से वापस आता है। और फाइल जैसे लाइक बैच डॉट BAT नाम की एक फाइल है, इसे हिडन करना है, तो इंटर करेंगे, फाइल हिडन हो गई है, देख सकते हैं। अब आप डेस्कटॉप विंडो पे देखिए, यहाँ पे बैच नाम से फाइल वो सो ही नहीं रही जो अभी हमने जस्ट क्रिएट की है, क्योंकि वो एट्रीव कमांड से हिडन हो गई है। इसे अगर वापस लाना है तो एट्रीव माइनस एच और फाइल का नेम बैच डॉट BAT, इंटर किया, अब आप देख सकते हैं बैच फाइल शो हो रही है। तो इस टाइप से किसी भी फाइल को हिडन कर सकते हैं और उसे वापस भी ला सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि फाइल में सॉरी डॉस के माध्यम से आप आईपी एड्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं, मैक एड्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं, और इसमें कई सारी और भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे लाइक शट डाउन करना, अगर आप कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे, सिंपल आपको बताना है कि आईपी एड्रेस तो चेक कर सकते हैं, बट आपको कंप्यूटर में आईपी एड्रेस चेक करने से पहले आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना जरूरी है, तो इसी के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। तो जैसे लाइक आपको यहाँ पे टाइप करना है आईपी कन्फिग और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए विंडो आईपी कन्फिग्रेशन यहाँ पे शो हो रहा है वन बाई वन, यहाँ पे देख सकते हैं आईपी भी यहाँ पे टेम्परेरी शो हो रहा है, लोकल एड्रेस शो हो रहा है, आईपी एड्रेस ही शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, समझने की वजह से तो आप इस टाइप से आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के बाद मैक एड्रेस कैसे चेक करते हैं, इसके लिए सिंपल आपको आईपी कन्फिग /all/all लिखना है। इसके लिए अब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस भी शो हो जाएगी, जैसे लाइक आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट है और उसका नेम यहाँ पे शो रहा है, जो आपका होस्ट नेम होगा वो भी शो हो जाएगा। देख सकते हैं आप पूरी जानकारी यहाँ पे मैक एड्रेस आईपी एड्रेस ये सारा यहाँ पे वन बाई वन शो हो जाएगा। ये तो आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसेसर की जानकारी ले सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए प्रोसेसर के लिए आपको लिखना है सिस्टम इन्फो, ये आपको ध्यान देना है सिस्टम इन्फो और इंटर। इसके बाद एक आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा,
लिखा है लोडिंग प्रोसेसर इंफॉर्मेशन, देखिए सिस्टम इन्फो में आप अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या आपकी मेमोरी कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज हो चुकी है, तो इसमें वन बाय वन पूरा प्रोसेसर के बारे में और इसमें मेमोरी के बारे में चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या मेमोरी है। और इसके बाद सिंपल हम सीखेंगे कि प्रोसेसर के बारे में कैसे जानते हैं। इसके लिए आपको लिखना है एमएस इन्फो, MS Info 32, जो भी हो इंटर करेंगे। और अब आप देखिए जैसे ही हमने टाइप किया तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, आपके सिस्टम की क्या इंफॉर्मेशन है इस कमांड से। ये बहुत ही बेहतर है कि इसमें देखिए डायरेक्ट ही आप पूरा देख सकते हैं क्या आईपी एड्रेस है, क्या मॉडल है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है, क्या मॉडल नंबर है, वो सारा आप इसे देख सकते हैं। इस टाइप से आप एमएस इन्फो कर सकते हैं। एमएस मतलब तो माइक्रोसॉफ्ट इन्फो, इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके बाद जो सबसे यूजफुल कमांड है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में कमांड के माध्यम से शट डाउन करना कंप्यूटर सिस्टम को, कैसे। इसके लिए आपको सिंपल शट डाउन लिखना है और इसके बाद आपको स्लैश लगाना है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपको शट डाउन करना है तो एस, अगर आपको रिस्टार्ट करना है तो आर, और अगर लॉग ऑफ करना है तो आई। ये कमांड आप टाइप करेंगे तो आपका कंप्यूटर उसी तरह से एक्टिवेट और उसी उसी टाइप से वर्क करता है। शट डाउन के लिए एस और एंटर करेंगे तो शट डाउन कुछ समय के बाद हो जाएगा, बट हमें नहीं करना है। आई होप ये कमांड्स आपको समझ में आई है। कोई भी कमांड अगर डाउट में है तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं और उस पर हम पर्सनल वीडियो बनाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।